जय हिंद प्यारे भाइयों अप्लाइड स्टडी में आपका स्वागत है आज के क्लासेस में हम यू पी पी डीएफसीसीआईएल, सी एल यू पी आर वी यू एन एल डी एस एस बी डी एफ सी सी आई एल जे ए आई टी आई के जो भी एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ लेके आया हूँ और इन सब एग्जामिनेशन में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे तो उससे पहले आपके अप्लाइड स्टडी को सब्सक्राइब कर लें और आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाले जितने भी एग्जाम्स के प्रिपरेशन हैं वो आप आराम से कर सकें इसी तरह क्वेश्चन और टेस्ट ईजिली लगा सकें और अपने प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकें तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें लाइक कर लें और जितना हो सके शेयर कर लें ठीक है तो चलिए फिर सेशन इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ चुनिंदा कुछ चुनिंदा क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जो कि एग्जामिनेशन में

तो उसमें पूछ रहा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है वो कंडक्टर का वो किस पे डिपेंड करता है ठीक तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है कंडक्टर के मटेरियल पे ठीक है जिस तरह का कंडक्टर का मटेरियल है उस तरह का उस कंडक्टर का रेजिस्टिविटी होगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा ठीक जैसे कोई कॉपर है कॉपर का अलग एक रेजिस्टिविटी होगा ठीक है एल्यूनियम का अलग रेजिस्टिविटी अलॉय का अलग रेजिस्टिविटी आयरन का अलग रेजिस्टिविटी हर मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टिविटी होता है ठीक है तो ये जो है, जो है है रेजिस्टिविटी रो वो डिपेंड करता है आपके कंडक्टर मटेरियल पे ठीक है तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा ठीक इसी में हम लोग कुछ देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए जो बोल रहा है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो इन टू एल बाई ए होता है ठीक है अगर कोई बोलेगा कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो आर पे डिपेंड करता है तो ये गलत हो जाएगा ठीक है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो केवल मटेरियल पे डिपेंड करता है ना ही इसके डायमेंशन पे ना ही लेंथ पे ठीक है वनली डिपेंड करता है वो कंडक्टर के मटेरियल पे ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर टू पे क्वेश्चन नंबर टू कहता है ऑल लीनियर सर्किट इज वन ठीक है जितना भी लीनियर सर्किट है उसका पैरामीटर क्या होगा पहला ऑप्शन दिया हुआ है चेंज विथ चेंज इन वोल्टेज मतलब कि उसका पारामीटर जो है वोल्टेज के साथ चेंज होगा ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि वो करंट के साथ चेंज होगा ऑप्शन नंबर सी कह रहा है डज नॉट चेंज थ वोल्टेज और करेंट यानी वोल्टेज वोल्टेज और करेंट में जो भी चेंजेस आता है उसके लीनियरिटी में चेंजेस नहीं आएगा तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा वोल्टेज और करेंट चेंज करने से उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है तो इसलिए जो है इसका ऑप्शन जो है सी होगा ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री बोलता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रो इज क्या है हाई फॉर कॉपर एंड लो फॉर अलॉय ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि हाई फॉर कॉपर रजिस्टिबिटी कॉपर का हाई होता है उसके साथ साथ एलोय का भी रजिस्टिबिटी हाई होता है ऑप्शन बी ये बोल रहा है ऑप्शन सी बोल रहा है कॉपर का रजिस्टिबिटी लो होता है और एलोय का रजिस्टिबिटी हाई होता है ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि कॉपर का रजिस्टिबिटी लो होता है और साथ ही साथ एलोय का भी रजिस्टिबिटी लो होता है तो ऐसा नहीं है वो मटेरियल प्रॉपर्टी है तो जिस तरह का मटेरियल वैसा उसका रेसिस्टिविटी होगा कॉपर जो होता है कॉपर को सबसे लो रेजिस्टिविटी का माना जाता है तो इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन सी जो कि कॉपर का रेजिस्टिविटी लो होता है और अलॉय का रेजिस्टिविटी हाई होता है अलॉय में मतलब दो या दो से ज़्यादा मेटल को मिलाकर बनाया जाता है ठीक लेकिन कॉपर जो होता है वो लोएस्ट रेजिस्टिविटी ठीक है इससे कम रेजिस्टिविटी देखने को मिलता है हम लोगों को सिल्वर में और उससे भी कम मिलता है रेजिस्टिविटी देखने के लिए वो गोल्ड में लेकिन हम लोग गोल्ड जो है यूज नहीं करते ठीक है और अभी जो है अगर कोई ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा कि मिनिमम रेजिस्टिविटी किसका है तो हम लोग सिल्वर को सेलेक्ट करते हैं ठीक है उसके बाद आता है कॉपर ठीक है उसके बाद अलमुनियम ठीक है तो क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर हो गया सी नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर बोल रहा है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द मेटेलिक कंडक्टर व्हाट इज द दोक्सीमेट वैल्यूसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वैलोसिटी का ऑर्डर क्या होता है ऑर्डर होता है टेन टू दावर माइनस थ्री मीटर पर सेकेंड से लेके टेन टू दावर माइनस सिक्स मीटर पर सेकेंड ये हम लोगों ने देखा था ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है अप्रोक्सीमेट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ लाइट जो लाइट का वैल्यूसिटी होता है उसके बराबर होता है ऑप्शन नंबर बोल रहा है बी साउंड के वैलोसिटी के इक्वल होता है ऑप्शन नंबर थ्री बोल रहा है कि लगभग टू बाय थ्री ऑफ वैलोसिटी ऑफ लाइट लाइट के दो बटा तीन लगभग होते हैं लेकिन ये सब ऑप्शन में से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ठीक है नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फाइव कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट है रिलेशनशिप ठीक है इनमें से जो दिया हुआ है ऑप्शन इनमें से कौन सा जो है डूअल रिलेशनशिप में नहीं है ठीक है इंडक्टिव और कैपेसिटिव एक दूसरे से मिलता जुलता लग रहा है आप लोग को देख सकते हैं आप वोल्टेज और करेंट एक दूसरे से मिलता जुलता है टाइसेट और कट सेट ये मिलता जुलता है लेकिन रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस डुअल रिलेशनशिप में नहीं आता है नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्स बोल रहा है फ्लो इलेक्ट्रॉन इन अ सर्किट कंस्टिट्यूट्स सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वो किसके कारण से होता है ये क्वेश्चन में पूछ रहा है तो ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक करंट के कारण ऑप्शन बी ईएमएफ के कारण ऑप्शन सी मैग्नेटिक चार्ज के कारण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं ठीक है इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है वो ईएमएफ के कारण से होता है कोई एक मेटालिक कंडक्टर है ठीक है और उसमें इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद रहता है हम लोगों को पता है कोई एक मेटालिक कंडक्टर कोई भी मेटालिक कंडक्टर लेते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद रहते हैं और रैंडमली इधर इदर उधर घूमते रहते हैं लेकिन जैसे ही उसको किसी बैटरी से हम लोग कनेक्ट करते हैं ठीक है किसी ई सप्लाई से हम लोग कनेक्ट करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन एक डिफिनट डायरेक्शन ले लेता है अपना डिफिनेट डायरेक्शन ले और वो उसमें जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो करना चालू हो जाता है तो वो कैसे हुआ जब हम लोग ई उसमें कनेक्ट किए ईमएफ सप्लाई हम लोग उसमें दिए तो वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करना चालू कर दिया तो ये किसके कारण से हो रहा है हो रहा है ई के कारण से ठीक है नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेवन बोल रहा है ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रिक वोल्टेज इज ट्रू इनमें से ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से जो भी स्टेटमेंट यहाँ दिया हुआ है वो इलेक्ट्रिक वोल्टेज के बारे में सही है या नहीं है वो हम लोग को बताना है ऑप्शन नंबर ए वोल्टेज काउज करेंट टू फ्लो वोल्टेज के कारण से करेंट फ्लो होता है ऑप्शन नंबर बी वोल्टेज इज ए डायरेक्टेड मूवमेंट टू इलेक्ट्रॉन वोल्टेज के कारण जो है वो

ए वोल्टेज के कारण से ही करंट फ्लो करता है ठीक है वोल्टेज जो होता है वोल्टेज एक प्रेशर हो गया और वो प्रेशर जो है करंट को पुश करता है प्रेशर देता है किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए ठीक है तो वोल्टेज को हम वोल्टेज जो है एक प्रेशर हो गया और उसी प्रेशर के कारण से करंट जो है फ्लो करता है एक जगह से दूसरी जगह जाता है ठीक है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट बोलता है इफ एन एटम मोर इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम्स ठीक है हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा था अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम से न्यूट्रल एटम से निकला तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है ठीक है अगर कोई दूसरा बॉडी इस बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन आया अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है ठीक तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है ठीक है इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स आपको अगर जानना है पिछले क्लासेस को आप जरूर देखें इसके बारे में सारा डिटेल में हम लोगों मैंने डिस्कस किया है ठीक है तो इसका सही आंसर होगा बी नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन कह रहा है विच ऑफ द फॉलिंग इज एक्टिव एलिमेंट ऑफ अ सर्किट इसी सर्किट में इनमें से दिया हुआ जो ऑप्शन है वो एक्टिव एलिमेंट इनमें से कौन सा हो सकता है एक्टिव एलिमेंट कहने का मतलब जो है जिससे कुछ पावर मिल सके उसको हम लोग एक्टिव एलिमेंट कहते हैं ठीक है रजिस्टर रजिस्टर हम लोग को पावर नहीं देता है कैपेसिटर तो नहीं देता है खुद से इंडक्टेंस भी नहीं देता है तो देगा कौन आइडियल करेंट सोर्स आइडियल करेंट सोर्स से ही हम लोगों को जो है सर्किट में पावर मिलता है तो इसको हम लोग एक्टिव एलिमेंट कहते हैं ठीक है नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन बोल रहा है द कंडीशन ऑफ ओम्स लॉ इज दैट ओम्स लॉ का कंडीशन क्या है तो ओम्स लॉ का कंडीशन ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है वी इज इक्वल टू हाई इन टू ठीक है जिसमें अगर ओम स्लो अगर कोई सर्किट अगर फ्लो कर रहा है तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है ठीक है वोल्टेज के साथ साथ करंट भी बढ़ता है, लेकिन वैसा जो ओम स्लो को करता है वैसे ही सर्किट में ये होता है अदरवाइज नहीं होगा ठीक है ओम स्लो उस सर्किट में फॉलो करेगा जिसका टेम्परेचर चेंज ना हो वैसे सर्किट में ओम स्लो फॉलो करता है और ओम स्लो जो है और भी बहुत सारे सर्किट में फॉलो नहीं करता है ओम स्लो तभी फॉलो करेगा जब उसमें टेम्परेचर जो है वो कॉन्स्टेंट रहे तो उस हिसाब से आंसर जो है ऑप्शन ए होता है ठीक है क्वेश्चन अलेवन कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लायसेज डज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट एपियर्स एज एन अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट ठीक है बोल रहा है इनमें से कुछ अप्लायंसेस दिए गए हैं इसमें से जो है हीटिंग इफेक्ट होता है इसमें अनडिजायरेबल इफेक्ट होता है ठीक है इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए वैक्यूम क्लीनर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व बोल रहा है द मास ऑफ प्रोटोन इज डैश द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लासेस में कि प्रोटोन का मास जो होता है इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा बड़ा होता है ठीक है और बहुत ज़्यादा मास होने के वजह से बहुत भारी होने के वजह से वो ट्रैवल नहीं कर पाता है कहीं भी इलेक्ट्रॉन हल्का होने के कारण वो एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकता है लेकिन प्रोटोन नहीं हो सकता है. तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रोटोन का मास क्या है इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में क्या है तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था तो ये तो हम लोग को याद है तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम आर कॉल्ड ठीक है जैसा पिछला क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक एक न्यूक्लियर्स है जिसमें प्रोटोन और न्यूट्रॉन दोनों हैं ये हो गया न्यूक्लियर्स और इसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते रहता है अलग 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 ऑर्बिट अलग अलग डिस्टेंस में ठीक है और जो न्यूक्लियस के सबसे लास्ट ऑर्बिट में जो रहता है उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं ये हो गया न्यूक्लियस न्यूक्लियस के सबसे लास्ट ऑर्बिट जो होता है सबसे लास्ट ऑर्बिट कौन सा हो गया ये हो गया इसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं ठीक है यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और ये जो लास्ट लास्ट ऑर्बिट ऑर्बिट हो गया इस को हम लोग वैलेंस बैंड कहते हैं तो इसका सही आंसर क्या हो गया इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्टीन बोल रहा है इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज लेस देन फोर द सब्सटेंस इज यूजली अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस हो गया इसमें प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं सबसे लास्ट ऑर्बिट को हम लोग क्या कहते हैं इसको कहते हैं हम लोग वैलेंस बैंड वैलेंस बैंड कहते हैं और इसमें जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है लास्ट ऑर्बिट में इसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है यदि चार से कम है बाहरी कक्षा में मूव कर रहा है और चार से कम है तो वो जो सब्सटेंस होगा वो होगा कंडक्टर कंडक्टर के बाहरी कक्षा में लास्ट ऑर्बिट में वैलेंस बैंड में चार से कम इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं इस कारण से उस कंडक्टर में इजीली जो है करंट फ्लो करता है क्योंकि बॉन्डिंग कम है और बॉन्डिंग कम होने की वजह से इजीली करंट फ्लो करता है इजीली इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट होता है और इजीली इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो करंट इजीली फ्लो करेगा तो इस कारण से कंडक्टर के वैलेंस बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चार से कम होते हैं ठीक है तो इसका आंसर सही आंसर हो गया ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन कह रहा है इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज मोर देन फोर द सब्सटेंस इज यूजुअली ठीक है अभी हम लोगों ने ऊपर ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व किया इसी इससे रिलेटेड तो इस वैलेंस बैंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है चार से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ये कौन सा सब्सटेंस होगा तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में चार से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो हो जाएगा आपका इंसुलेटर यानी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन वहां होने की वजह से एक दूसरे से बॉन्डिंग हो गया और बॉन्डिंग होने की वजह से वहां पर जो है इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा और इलेक्ट्रॉन मूव ना करने के वजह से करंट भी फ्लो नहीं करेगा वहां तो जिस भी सब्सटेंस में जिस भी, जिस भी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहा है करंट फ्लो नहीं कर रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं इंसुलेटर कहते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन बोल रहा है कि इफ़ द नंबर ऑफ एलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज इक्वल टू फोर द सब्सटेंस इज यूजली पिछले हम लोगों ने देखा कि एक अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार से अगर ज्यादा है तो इंसुलेटर होगा ठीक है और अगर चार से कम है तो कंडक्टर ठीक है और अगर चार के बराबर है तो सेमी कंडक्टर कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू फोर हो जाए तो वो सेमी कहलाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन वन कुल ऑफ चार्ज इज इक्वल टू द चार्ज ऑन ठीक है तो एक गुलाम चार्ज में कितना चार्ज मौजूद रहता है वो हम लोगों को बताना है तो एक गुलाम चार्ज में जो है वो चार्ज मौजूद रहता है सिक्स ट्वेंटी फाइव इंटू टेन टू द पावर सिक्सटीन इलेक्ट्रॉन वन गुलाम इज इक्वल टू सिक्स ट्वेंटी फाइव इंटू टेन टू द पावर सिक्सटीन इलेक्ट्रॉन और ये कैसे आया वो पिछले क्लासेस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जिन्होंने नहीं देखा है वो पिछले क्लासेस में जाके उस वीडियो को जरूर देखें ताकि ये सब आपको है क्लियरली समझ आए ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन बोल रहा है कि वन सेंटीमीटर क्यूब का एक कॉपर का टुकड़ा है रूम टेम्परेचर में इसमें कितना इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है तो एक कॉपर का टुकड़ा है वन सेंटीमीटर क्यूब का और वो रूम टेम्परेचर में रखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए एट पॉइंट फाइव इन पावर ट्वेंटी इलेक्ट्रॉन ऑप्शन बी टू हंड्रेड फ्री इलेक्ट्रॉन ऑप्शन सी ट्वेंटी इंटू टेन टू पावर टेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑप्शन डी थ्री इंटू टेन टू फाइव फ्री तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन एट पॉइंट इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्वेश्चन नंबर नाइनटीन बोल रहा है कि द इलेक्ट्रिक करेंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट जो है वो इलेक्ट्रिक करेंट का फ्लो वो किसके कारण से होता है ठीक है नेगेटिव चार्ज के कारण से पॉजिटिव चार्ज के कारण से या दोनों के कारण से तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो दोनों के कारण से होता है ठीक है कैसे होता है ये कोई कॉपर का टुकड़ा है इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं जैसे तैसे रैंडमली जैसे ही इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं वो एक डिफिनिट डायरेक्शन तय करने लगता तो इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव की तरफ फ्लो करने लगेगा ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव और करेंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो करने लगेगा करेंट ठीक है तो करेंट के फ्लो में दोनों हिस्सेदारी मौजूद होते हैं पॉजिटिव का भी और नेगेटिव का तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आंसर सही होगा पो, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कह ई एम एफ इन अ सर्किट सर्किट में जो ई एम एफ मौजूद होता है उसके कारण से क्या होता है ऑप्शन नंबर ए सर्किट का रेजिस्टेंस घट जाता है बी सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है सी पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखता है या डी नन ऑफ दीज तो किसी भी सर्किट में अगर ई मौजूद है तो उसमें जो है पोटेंशियल डिफरेंस ई जो है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है और पोटेंशियल डिफरेंस के कारण से ही करंट का फ्लो होता है करंट या इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है ठीक है और ई को ही हम लोग कहते हैं वोल्ट volt या वोल्टेज ठीक है और वोल्टेज को ही हम लोग क्या कहते हैं प्रेशर और इस प्रेशर के कारण से ही हम करंट हमारा फ्लो करता है क्वेश्चन नंबर बी का आंसर हो गया सी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं आप उसमें देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है ये कॉमन क्वेश्चन जो है जो मैंने अभी बताया ट्वेंटी क्वेश्चन वो जरूर आएंगे और इस तरह के ट्वेंटी ट्वेंटी के क्वेश्चन जो है वो मैं लाता रहूँगा और आप जितना हो सके आप इसको अटेंड करें इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें और जो भी है आपको प्रॉब्लम है या कुछ भी पूछना है आप हमें हम कमेंट करके बता सकते हैं और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों हमें मोटिवेट करें ताकि इस तरह इसी तरह के वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं आपको अच्छे से हर एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपे प्रिपेयर करता रहूं ठीक है तो आज के सेशन में इतना ही दोस्तों जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दें और जो नए लोग हैं सब्सक्राइब कर लें और बेलाइकन पर क्लिक कर दें ठीक है ताकि आप अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर सकें और एग्ज़ाम्स जो आने वाला एग्ज़ाम्स है वो आपके क्लियर हो सके ठीक है तब तक के लिए आप घर पे रहें सेफ़ रहें थैंक यू जय हिंद दोस्तों